पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी को हार का ऐसा दर्द दिया कि जिसे वो भुला नहीं सकी, और अब ममता दीदी बीजेपी के गढ़ में एंट्री कर उसे पटखनी देने की तैयारी में है। ममता बनर्जी ने मिशन उत्तर प्रदेश के बाद अब मिशन गुजरात भी बना लिया है, जिस पर कदम बढ़ाकर वो चुनाव में मजबूती के साथ टीएमसी को उतारेंगी। जाहिर सी बात है, ममता का ये प्लान बीजेपी को जरूर परेशान करेगा। सियासत में दलों के बीच में शह और मात का खेल हमेशा जारी रहता है। जहां पिछले दिनों बीजेपी ने ममता के गढ़ में एंट्री कर उसे ललकारा था, तो वहीं अब ममता बनर्जी भी ऐसे दो राज्यों में सेंधमारी की तैयारी करने वाली हैं, जिसे बीजेपी अपना अभेद्य किला मानती है। उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक टीएमसी ने बीजेपी को परेशान करने का प्लान बना लिया है। टीएमसी अपने संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दे रही है। हाल ही में ममता ने गुजरात में अपने कन्वीनर बनाए हैं। टीएमसी के कन्वीनर जितेंद्र खड़ायता का कहना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी अपना फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि जैसे टीएमसी ने बंगाल में जबरदस्त जीत हासिल की है, वैसे ही पार्टी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में करेगी। अब गुजरात की राजनीति में ममता बनर्जी की एंट्री से यहां पर मुकाबला रोचक होने जा रहा है। वैसे अब तक गुजरात की राजनीति के लिए कहा जाता था कि यहां सिर्फ दो ही पक्ष चलते हैं, बीजेपी और कांग्रेस। दशकों से चुनावी दंगल में केवल इन दोनों दलों के बीच जमकर मुकाबला देखने मिलता था, लेकिन इस बार चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने भी गुजरात की राजनीति में एंट्री कर दी है। दिल्ली की तरह आप यहां भी बीजेपी के कमल को मुरझाने की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों प्रदेश यूथ कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष निखिल सवानी आप में शामिल हुए थे, और अब बीजेपी के नेता भी झाड़ू का साथ देते नजर आएंगे। यानी साफ है कि केजरीवाल पूरी तरह से बीजेपी के अरमानों पर पानी बिखेरने को तैयार है, जिससे सत्तारूढ़ पार्टी बेचैन हुए जा रही है, और अब तो उसकी बेचैनी टीएमसी भी बढ़ाने वाली है। तो देखना होगा कि इन दो दिग्गज पार्टियों के सामने अब की बार बीजेपी कैसे बचा पाती है अपनी सरकार। डीवी लाइव की रिपोर्ट।